चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। जिला पंचायत चुनाव राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। तो जिला पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। देर रात कांग्रेस नेता सक्रिय हुए हैं, सदस्यों के साथ हुई घटनाओं को लेकर सक्रिय हुए। देर रात कांग्रेस नेता अचानक सक्रिय हो गए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पीसी शर्मा, आरिफ मसूद जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। तो जिला पंचायत चुनाव राजनीति का अखाड़ा बन गया है। देर रात कांग्रेस नेता सक्रिय हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुष्यंत जी, जिला पंचायत चुनाव राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आप बिल्कुल पूनम, देखिए जिला पंचायत का आज निर्वाचन होना है और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो सुबह से ही शुरू हो गई है। और चूंकि लगातार ऐसे कई घटनाक्रम जो है वो देखने को मिल रहे थे, लगातार सरकार पर विपक्ष की ओर से आरोप भी लगाए जा रहे थे, तो ऐसे में विपक्ष का जो नेता है, विपक्ष चाहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात करें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी की बात करें, आरिफ मसूद की बारे में बात करें, या फिर हम बात करें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की, तमाम सारे नेता आज सुबह से ही सड़क पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। और जैसे ही उनको जानकारी लगी निर्वाचन की प्रक्रिया की, तो वैसे ही वो जिला पंचायत कार्यालय तमाम सारे नेता पहुंचे हैं। जमकर यहाँ पर बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता पहुंचे तो कहीं ना कहीं नेताओं की नारेबाजी भी की गई, लेकिन जिस तरीके से जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हैं तो वहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी घटना, अप्रिय घटना सामने ना आए जिसकी वजह से प्रशासन पर आरोप लगे या प्रशासन की जो व्यवस्थाएं वो भंग हो जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो प्रक्रिया निर्वाचन की जानी है वो निष्पक्ष तरीके से प्रक्रिया पूरी हो सके, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम सारी प्रक्रियाएं जो है आज पूरी कराई जाएंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घोषणा भी दोपहर तक होने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। हालांकि अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह ये साफ कर चुके हैं, जो कांग्रेस के जो औपचारिक प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी हैं भार्गव, उनके पक्ष में कोई भी कांग्रेसी जो जिला पंचायत सदस्य बना है अगर वो वोट नहीं करता है तो उसको निष्कासित किया जाएगा 6 साल के लिए, और अगर निष्कासित कर दिया गया तो उनके जीवित रहते वो कांग्रेस पार्टी में नहीं आ पाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चेतावनी दिग्विजय सिंह ने उन लोगों को दी है जो लोग जिला पंचायत सदस्य बनकर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन अगर वो ये क्राउड वोटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। जी शुक्रिया दुष्यंत जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।